बनाना करने आता है। आज सुबह सुबह रात को इसको खुला छड्डा था और देखना सो अभी जस्ट मैंने अपनी मुंह धुलाई की रस्म की है और अब जो है मैं रेडी होती हूँ कॉलेज का फर्स्ट डे आज। और सच बोलूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं जाने का, मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ। एक तो सड़ा हुआ है, ठीक है, सड़ा सा ये मौसम है, बिल्कुल फ्रेश ऑफ करूँ सड़ा सा ये मौसम। ऊपर से इतने टाइम बाद जा रही हूँ और इतनी गर्मी है, बिलासपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतने टाइम बाद जाना पड़ रहा है, बिल्कुल मन नहीं जाने का। और ऊपर से सुजुकी बीमार है, आज फर्स्ट डे है, सुजुकी जो तो दवाई लेके आऊँगी मैं, रास्ते में डिस्पेंसरी है तो वहाँ से ले आऊँगी। और आज तो फर्स्ट डे है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जा ही आती हूँ, मेरे को फ्रेंड्स की कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि चलते हैं तो इसलिए हम जा रहे हैं, देन आपको रेडी होने के बाद मिलते हैं। सो आई एम रेडी और अभी हम पहले घुमाई में जाएंगे, शानी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह रह गए हैं घर में तो वो उसको मैं पढ़ाऊँगी स्कूल जाके एंड उसके बाद हम कॉलेज चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। के लिए दवाई लेनी है मैंने रास्ते में से, तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा।
बाकी तो कुछ नहीं, पर ये मोड़ बहुत बड़ा है यार। चढ़ते चढ़ते ना मेरे को ना पीछे मेरे लोग हैं, काफी पीछे हैं। दो मिनट पहले मैं घर पहुंची और सुजू, मतलब मैंने वहाँ पे पता किया कि उसको ऐसे उल्टी और मतलब डाइसेंट्री वगैरह लगी है सुजू को, तो उसके दवाई तो उन्होंने बोला कि दवाई नहीं है, इसको ग्लूकोज की बोतल लगानी पड़ेगी, तो इसको हम वहाँ भी लेके जाएंगे। मेरे साथ मेरी बहन है, एक पड़ोस की वो चल रही है साथ में, हम देखते हैं। बस मैं जाना पड़ेगा अभी, तो लोग जा रहे हैं, पापा तो उनकी शॉप पर हैं, तो फिर और मम्मी बीमार है, तो मम्मी घर नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो उसका वेट कर रही हूँ, वो खाना वगैरह खा रही है, उसके बाद जाते हैं वहाँ में। मतलब ब्लॉग क्या सोच के स्टार्ट किया था और किया ही आपको है। सुजू को हम लेके गए थे घुमाने, पर इसने मतलब उसका मुंह पहले बंद करना था, तो उसका टेम्परेचर चेक होता, पर इसने अपना मुंह बंद करवाने नहीं दिया, खाने पड़ रहा था मेरे को भी और बाकी सबको भी, और बहुत चिल्ला रहा था, तो इसने टेम्परेचर नहीं दिया चेक होने के लिए। और वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे, मुझे डॉक्टर चाहिए था, वो नहीं था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि इसको दही वगैरह और ठंडी ठंडी चीज़ें दो, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। बाकी पता नहीं, अब देखते हैं, नहीं हो पाए तो परसों फिर से लेके जाएंगे, कल छुट्टी है, कल तो हॉस्पिटल बंद होगा। और अभी शाम के 5 बजे पड़ रही है मेरे को रोटी, मैंने सुबह एक चपाती खाई थी कॉलेज जाने से पहले, उसके बाद अभी खाना खा रही हूँ। कि कॉलेज के जस्ट आने के बाद फिर मैं चली गई थी ना सुजू के साथ, दिन तक तो खाना खा नहीं पाए थे यार, मुझे कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है, मेरे बाजू में काम नहीं कर रही है।